मेरा नाम आनंद पंडा है, मैं सालेतरे से हूँ। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में, हाँ, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना विकास हुआ? अभी विधानसभा चुनाव में हमारा विधायक जो है तो राजा देवेंद्र बहादुर हैं जी, लेकिन उनका अभी तक सालेतरे गांव में दर्शन नहीं हुआ है और न कांग्रेस तरफ से कोई प्रगतिकारी हुआ है। अच्छा, तो आपके गाँव में विकास कितना हुआ है? विकास अब इस 5 सालों में क्या क्या बना? विकास बोलने से क्या विकास, ऐसे ही हुआ है। नल जल तो सभी तरफ है, हाँ। वो तो केंद्र से है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो तो होना चाहिए नल जल, वो कोई विधायक का नहीं है। अच्छा जी, बस वही दिख रहा है। और वो शौचालय वगैरह बना है जी, सामुदायिक शौचालय, हाँ, सेंट्रल योजना का है, हाँ, वो भी सेंट्रल योजना का है। और राज्य सरकार की तरफ से सीसी रोड है, जैसे कि नया भवन है? नहीं, सीसी रोड तो अभी नया नहीं बना है, क्या स्थिति है? गोठान यहाँ नहीं है, गोठान पंचायत में बना है, खुर्सी पहाड़ में, ये आश्रित ग्राम है खुर्सी पहाड़ का। क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है इस बार छत्तीसगढ़ में? देखो, छत्तीसगढ़ में तो वैसे भाजपा का शासन आना चाहिए, कांग्रेस को देख चुके हैं 5 साल अभी जी। किन मुद्दों पर भाजपा पे वोट करेगी जनता? हमारे विधायक के द्वारा जो ये कर रहे हैं ना जी, तो हमारा विधायक यहाँ के विधायक के लायक नहीं है। अच्छा, तो उसी कारण यहाँ जा रहे हैं कि हमारे बसना बसना विधानसभा से तो भाजपा आना ही चाहिए। अच्छा, तो कौन दिख रहे हैं और अच्छा नेता भाजपा से? आप भाजपा से हमारे क्षेत्र में तो अभी संपत अग्रवाल ही जुझारू दिख रहे हैं जी, वो सबके सुख दुख में साथ दे रहे हैं, किसी को अस्पताल भेज रहे हैं, एम्बुलेंस भेज रहे हैं, वो सब कार्य में अभी जागरूक हैं। बीजेपी से अगर टिकट मिलते हैं तो टक्कर देंगे राजा साहब? बीजेपी से टिकट मिलता है तो एक तरफा निकाल देंगे संपत अग्रवाल भैया जी। राजा साहब पिछले 4 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं, वो तो पल्ला भारी है, क्या लगता है आपको? पल्ला भारी है तो पल्ला भारी होता जी, है ना, विकास कुछ करते तो पल्ला तो भारी होता जी, और विकास कुछ नहीं दिख रहा तो क्या पल्ला भारी होगा भाई। अच्छा, तो संपत अग्रवाल का माहौल चल रहा है? संपत अग्रवाल का ही माहौल चल रहा है। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए। चिखली ग्राम पंचायत चिखली, मेरा नाम प्रवीण प्रधान है। कौन सा विधानसभा में आते? बसना विधानसभा। बसना विधानसभा, क्या माहौल चल रहा है तुम्हारे गांव की तरफ? हमारे तरफ में बीजेपी, मतलब कांग्रेस जो देवेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, मतलब राज्य मंत्री भी थे, जब से मतलब राजा खानदान बसना विधानसभा में विधायक पद में रहते हुए भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई गाँव नहीं देख रहे हैं। तो कल आज कैसे विधायक रहना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए, मतलब पूरा बसना विधानसभा को अच्छा कार्य करना जरूरी है, मतलब सब विधानसभा से पिछड़ा वर्ग है बसना विधानसभा। तो तुम्हारा कौन कौन नेता जनसंपर्क में है? जनसंपर्क में अभी संपत अग्रवाल हर काम में पहुंच रहे हैं, मतलब कोई फोन करके बुलाने से भी पहुंच जाते हैं और देख रहे हैं सबको हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस सब भेज रहे हैं। तुम्हारे गांव चिखले भी पहुंची से संपत अग्रवाल? संपत अग्रवाल 4-5 बार पहुंच चुके हैं। राजा साहब आज तक मतलब चिखली गांव कैसा है वो देख भी नहीं रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का गढ़ था, हाँ। बाकी वो कांग्रेस का गढ़ है बोल के मतलब वो चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, किसी का बात सुनना नहीं है न करना नहीं है राजा साहब का। अच्छा, तो अभी किसान मन के क्या माहौल चल रहे हैं और गरीब मन के क्या हाल चाल है कांग्रेस के कार्यकाल में? गरीब और किसान मन के तो कार्यकाल कोई मतलब ही नहीं है कांग्रेस में, अभी कोई काम नहीं हुआ है, कोई सीसी रोड पंचायत में कोई नल जल योजना तो प्रधानमंत्री ये का है, मतलब हाँ वहाँ कोई आवास वगैरह अभी कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में विकास काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, किसान मन पर अच्छा काम करी से ऐसे बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मुँह से सब बोलते हैं, बोलने में करने में बहुत अंतर। ज्यादा में खरीदी करी से अभी 28? नहीं, वो तो बोला थे, बाकी कोई करना न हुए वो मन के चुनावी वादा ऐसे लगा है? हाँ, सब चुनाव के सामने बोला थे, बाकी कोई करना न हुए कुछ। तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनी है? अभी बीजेपी के बनना जरूरी है। अच्छा, जरूरी है? हाँ, बीजेपी के सरकार बनना जरूरी है, कांग्रेस में कोई मतलब ही नहीं है। बसना विधानसभा में संपत अग्रवाल अभी अच्छा है, मतलब सबके पूरा बसना विधानसभा क्षेत्र में वो घूम रहे हैं कि सबका दुख सुख जो जिनका समस्या है सब सुन रहे हैं अभी। अगर टिकट मिल जाएगा बसना विधानसभा में बीजेपी में तो एक तरफा टिकट। राजा साहब के अलावा अभी और 12-13 लोग मौजूद कांग्रेस के नेता हैं,
जिला पंचायत उषा पटेल है, बाकी वो भी कभी नहीं आते, अभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष है। बाकी चिखली गाँव कैसा है वो देख भी नहीं रहे ना। अच्छा, चिखली गाँव को कोई मतलब ही नहीं रख रहे, दावेदारी किया है। हाँ, केवल चुनाव के समय आता है तो अनेक किस्म का भाषणबाजी करते हैं, बाकी चुनाव खत्म होने के बाद में कोई मतलब नहीं किसी का। वही क्या है, वो क्या है। का नाम है? मेरा नाम नारायण साहू है। अच्छा। मैं बसना विधानसभा का आदमी हूँ। क्या माहौल चल रहा है तुम्हारा यहाँ? माहौल तो वही है, बीजेपी आना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा। ऐसे कांग्रेस का जो अच्छा काम नहीं कर सका? हाँ, कोई काम नहीं हो तो बसना और साले तरह कितना दूर है, 7 किलोमीटर है। हाँ। फिर भी वो दिखता भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कौन दिखते हैं? राजा साहब। अच्छा, राजा साहब। हाँ, वो तो कम से कम संपर्क और कम से कम घूम रहा है इधर उधर करके। अच्छा। जन सेवा कर रहा है आदमी का। तो उसको टिकट देना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, हमारे हिसाब से, बीजेपी से। तो क्या फिर भी राजा साहब को जीत रह सकते हैं? मतलब भाई टिकट देने से तो जीतना तो चाहिए। तो राजा साहब को 4 बार विधायक रह चुके हैं, कई बार। हाँ, जो टिकट देने से जीतना चाहिए। मान लो टिकट नहीं मिलती है, तब की स्थिति में क्या रहेगी संपत? क्या लगता है? नहीं देखो तो टिकट नहीं मिलती है तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। मुश्किल है। अगले चुनाव में तो वैसे तो 50,000 वोट निर्दलीय में, निर्दलीय में जितना मुश्किल है। इस बार कितना वोट आ सकता है निर्दलीय में? मान लो निर्दलीय लड़ी, अगर संपत अग्रवाला टिकट नहीं देते पार्टी तो ये तो बता नहीं सकते हम लोग। हाँ, उसको है हाँ, निर्दलीय में कितना वोटिंग जाएगा और क्या होगा। अच्छा, ये बता नहीं सकते। हाँ, उनका माहौल देख के क्या लगता है आपको? माहौल देख के तो वही उसी टाइप का फिर चलेगा। अच्छा, वैसे ही। हाँ, राजा साहब दोबारा आ जाएंगे? हाँ, दोबारा फिर आ जाएंगे। का नाम भैया जी? को कपिलास साहू। कहाँ के? सारे का विकास हुई तुम्हारे गाँव में? कुछ विकास नहीं हुई सी। किसान? हाँ, किसान। कतर एकड़ खेत है? है 5 एकड़। अच्छा, 5 एकड़ तो बहुत है। तो धान तो मस्त बेचे हो समर्थन मूल्य में? हाँ, बेचे हम। बोनस वोनस सब मिल के से? हाँ, सब मिल के से। अच्छा, तो किसान मन तो खुश हो ही से कि अब कुछ मान नहीं खुश का हो कि बाकी वैसे खुश हैं गा। हाँ। धान बेचे थे, धान के भी अभाव बढ़ ही गए थे ऐसा। हाँ। बढ़ा लो फिर खुश हो वो। अच्छा। नहीं तो क्या है, 15 साल तक बीजेपी कार्यकाल रही। हाँ। उम्र रमन सरकार में ना तो समर्थन मूल्य बढ़ाई ना, प्रति क्विंटल ज्यादा खरीदी करी। अगर बाद जब बघेल सरकार बनी तो समर्थन मूल्य भी बढ़ाई, सब बढ़ाई, तो इसमें कुछ कहना है का? क्या थोड़े बड़े से ऊपर ले बढ़ेगा? अच्छा, बाकी ऊपर ले बढ़े वो मोदी सरकार वो तरफ तो ये करीस ना। अच्छा। बाकी ये सब कह रहे हैं कि वो बढ़ाई से करके सेंटर पुल ले बढ़े। हाँ। अच्छा, तो भाजपा भी फिर 3,000 में खरीदी कर? हाँ, भाजपा नहीं देना छे, भाजपा ही से करे थे ना किसान मन के। अच्छा। मोर हिसाब से कहा तो। हाँ। और यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ बसना विधानसभा में ना। हाँ। अभी संपत अग्रवाल के ज्यादा चले थे। हाँ। जैसे संपत अग्रवाल टिकट मिल जाते तो निकाल डाल रहेगा। अच्छा। हाँ, और या तो भाजपा में कोई भी टिकट मिलना है तो उसी को देना छे मान के चल मोर हिसाब से भाई। लेकिन अगर कोई अगर संपत्त ले मिले तो? हाँ, संपत्त। हाँ, संपत्त देना चाहिए। मिले तो जैसे कि अब कई जिनके नाम है जगदीश प्रधान ले जाना था उसका? नहीं जाना था जगदीश प्रधान। अच्छा, मिलू भाई चंद्र कुमार पटेल वो बोर्ड में गांव गांव में नहीं है। अभी फिलहाल तो जैसे कि अगर नदी के बसना का तो हमारे ये बसना विधानसभा ये संपत अग्रवाल भी ऐसे निर्दल भी खड़े हो थे ना। हाँ। तो ला तो देना से मान के चलो। अच्छा। हाँ, कोई में भी ऐसे अभी जैसे तो जुड़े से कि ये बीजेपी नहीं जुड़ेगा है कि नहीं, तो निर्दल भी खड़े होते तो बहुत निकाल डाल रही। अच्छा। अगले हिसाब से तो ज़्यादा निकालना चाहिए। टक्कर दे सकते? हाँ, टक्कर दे सकते।